बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रखा जी है वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले हम डॉलर के मतलब ही बात करेंगे जो कि 287 यानी कि 287 रुपए अराउंड में चल रहा है। ओवर मार्केट में भाई अभी भी यानी कि 295 रुपए से लेकर 300 रुपए के अराउंड में ओपन मार्केट में भी डॉलर का रेट है। पिछले अगर एक हफ्ते की हम बात करें तो एक हफ्ते में डॉलर रोज बरोज नीचे आया जी, यानी कि 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे इस हिसाब से, ठीक है। अभी रियाल रेट के मुतालिक बात कर लेते हैं। जो एक्सचेंज रेट है जी, पहले आपको वो बता दूंगा मैं, पाकिस्तानी इस वक्त 76 रुपए 51 पैसे है जी आज का रेट। इंडिया 21 रुपए 89 पैसे है। बांग्लादेशी टका 28 टके 78 पैसे है जी। अगर आप पाकिस्तान में रियाल लाकर वैसे एक्सचेंज करवाना चाह रखे हैं तो आपको 76 रुपए से लेकर 77 रुपए अराउंड में इस वक्त पाकिस्तान में भी रेट मिल जाएगा। मुस्तरी बैंकों के हिसाब से बात करने से पहले मैं एक बात बोलूंगा जी कि जो भाई अक्सर मुझे ट्वीट करते हैं, मेरी बात सुन लीजिएगा, इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, कि भाई आपने थंबनेल में लिखा हुआ है रियाल रेट में बड़ी तब्दीली, रियाल रेट की बड़ी छलांग या रियाल रेट को पर लग गए, तो भाई रेट तो वही है 75 रुपए या 75 रुपए कुछ पैसे, ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। ये आप लोग वहां पर बैठकर, यानी कि जैसा कि मैं पाकिस्तान में, आपको पता है हम वहां पर सऊदी में बैठकर ये बात सोचते हैं यार, तो ये रेट तो वही है 75 रुपए कुछ पैसे। लेकिन जब आप पाकिस्तान में आकर होंडा 125 निकालते हैं ना नया, और 2,30,35 का अभी है जी, और आप पे करेंगे नया लेकर रोड के ऊपर निकलेंगे अपने गांव में शहर में जाएंगे तो हर बंदा देखेगा, क्योंकि पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा होंडा 125 लेने के मुतल्लक भाई सोचता है, लेना तो किधर की बात है जितना वो महंगा हो चुका है। तो ये बात क्यों कर रहा था ये भाई, आपको लगता है कि यार रेट तो वही है, और यार ये रेट हमें लगता है वही है, लेकिन पाकिस्तानियों को पूछकर देखें कि रियाल भाई कितनी अहमियत है रियाल की। बहरहाल अगर बैंकों के हिसाब से बात करें तो इनमें मनीग्राम की आज मैं रेट आपको बता दूं, इनका आज का 75 रुपए 77 पैसे रेट है जी। 10, 17 और 23 रियाल फीस होती है। कल एक भाई ने ये भी कमेंट किया कि भाई 10, 17 और 23 ये बात समझ में नहीं आती है, ये बैंकों की फीस होती है। जब आप बैंक में जाकर रियाल भेजते हैं पाकिस्तान, आप मोबाइल ऐप से भेजेंगे 10 रियाल काटेंगे, आप बैंक में जाकर भेजेंगे जो अगर आपका वहां पर कार्ड वगैरह बना हुआ है तो 17 रियाल काटेंगे, नहीं तो 23 रियाल 25 रियाल 30 30 रियाल तक काटते हैं जो फर्स्ट टाइम या आप कार्ड वगैरह के बगैर ही काम से भेज रहे हैं। तो अगर मनीग्राम की बात करें तो सॉरी मनीग्राम आपको बता चुका हूं मैं, टैली मनी यानी कि ANB बैंक की, तो इनका आज का रेट भाई 75 रुपए 52 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल इनकी फीस है। एंड वेस्टर्न यूनियन की अगर बात करें तो इनका आज का रेट 75 रुपए 78 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। तहरीर राजी यानी कि राजीव बैंक की अगर बात हम करें तो इनका आज का रेट 75 रुपए 47 पैसे है जी, 10, 17 और 23 रियाल एंड 25 रियाल फीस के साथ। और अगर STCPA की बात करें तो इनका आज का रेट 75 रुपए 58 पैसे है, 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस है। अगर फौरी बैंक यानी कि बैंक जजीरा की अगर हम बात करें तो इनका आज का रेट 75 रुपए 74 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। और अगर इंजाज बैंक की हम बात करें तो इंजाज बैंक का आज का रेट भाई 75 रुपए 57 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। क्विक पे से अगर आप पैसे भेजना चाह रहे हैं तो क्विक पे का आज का जो रेट है जी वो 75 रुपए 58 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल फीस इनकी भी है। हॉन्डी वगैरह का थ्रू भाई जो रेट चल रहा है वो शायद आपको 1-1.5 रुपए ज्यादा दे दें, लेकिन वो रिस्क है।